अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हर बर्ड लवर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके जो केज हैं अंडों और बच्चों से भर जाएं, उनके बर्ड्स बहुत ज़्यादा ब्रीड करें, अपने बच्चे सही तरह से पालें और उनको अच्छी खुराक दें और वो उनकी अच्छी परवरिश करें और जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हाउ टू ब्रीड फ्रॉम फिंचेस। ब्रीडिंग टिप्स क्या है फिंचेस की कि हम इनसे अच्छी ब्रीड कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ बातों का आपको ख्याल करना पड़ेगा, इसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं है, बड़ी सिंपल बातें हैं, एक बार आपको बताने से इंशाल्लाह आप जहन नशीन कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपने फिंचेस को रखना है, इसे कॉलोनी में नहीं रखना, इसे केज बाय केज रखें, क्योंकि कॉलोनी में ये एक दूसरे के साथ खेलती रहती हैं और ब्रीडिंग पर फोकस नहीं करती और ब्रीड अच्छी नहीं करती, अंडे नहीं देती। अंडे देती है तो अपने बच्चे नहीं पालती, अगर 6 अंडे देती है तो 3 फर्टाइल होते हैं, 3 अनफर्टाइल होते हैं, उनमें से 2 में से बच्चे निकाल लिए, एक को पाल लिया और एक वैसे मर गया। तो दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं कॉलोनी में। अगर आप इसे अलग अलग केज में रखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ब्रीड आती है, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे पालती है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि इन्हें अलग केज में रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है, इनकी मटकी का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, मटकी का साइज़ बहुत छोटा लगाते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ होता है, जो कि इनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह कैसे होता है, एक तो ये कि परिंदा टांगों के बीच में बैठता है, जब फिंच टांगों के बीच में बैठेगी, अंडे देगी, अंडे सही तरह से सेक नहीं पाएगी, वो अनफर्टाइलिटी हो जाएगी, अंडों में फर्टाइल अंडे कम होंगे। दूसरे नंबर पे जब उनके बच्चे निकल आएंगे तो बच्चों में मसले मसाइल पैदा होंगे, कुछ बच्चे हबस की वजह से मर जाएंगे, एक दूसरे के नीचे आके दब के मर जाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों को सही दाना नहीं दे पाएंगी, मटकी छोटी होगी। तो अब आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जहाँ कैमरा फोकस किया है, ये 4 मटकियाँ हैं, कैमरे में कवर नहीं हो रही और 3 हैं आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब में ब्रीड आई हुई है। तो दोस्तों, सेकंड टिप्स ये है कि आप इनकी मटकियाँ बड़े साइज़ की रखें। तीसरे नंबर पर इनको जो आपने नेस्टिंग देनी है, वो थोड़ा हाथ खुला रख के दें, हाथ तंग नहीं करेंगे, नेस्टिंग कम देनी है नहीं, इनके लिए जितनी ज़्यादा नेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा ये मोटिवेट होती हैं, उतनी अच्छी ब्रीड करती हैं। नेस्टिंग इनकी ब्रीडिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ख़ासतौर पे आगे सर्दियां आ रही हैं और आप इन्हें नेस्टिंग दें ताकि अच्छी तरह नेस्ट बनाएं और फिर ये ब्रीड करें। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है, आपने इनकी पेयरिंग ऐसे करनी है कि जब आपने इन्हें एक जगह पर इकट्ठे छोड़ना है, सीज़न आपका स्टार्ट हो रहा है, तो जो मेल जो फ़ीमेल के साथ अटैच है आप नज़र रखें और एक एक जोड़ा अलग करके रखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपका कौन सा पेयर किसके साथ है। अगर आप वो पेयरिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त ब्रीड करेंगे। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो टिप है वो ये है कि इनके केज से आप कटल बॉर्नफिश बिल्कुल ख़त्म नहीं करें। मेरे दोनों केजों में पड़ी हुई है, आप लाजमी इन्हें कटल बॉर्नफिश दें, जो समुद्री झाग होती है वो बिल्कुल ख़त्म ना करें, क्योंकि वो इनकी कैल्शियम की कमी पूरी करती है। समुद्री झाग दें, एग शेल दें, जो एग होता है अंडा उसके जो छिलके होते हैं उनका पाउडर दें, ठीक है। दोस्तों, इसमें ये छोटी छोटी अहम चीज़ें होती हैं जो ब्रीडिंग किट्स में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लास्ट नंबर पे एक बार जहन नशीन कर लीजिएगा कि अगर लेट्स सपोज मैंने ये 2 जोड़े एक एक केज में लगाए हैं, अगर इनमें आप ऐसे लगाते हैं और कोई जोड़ा आप देखते हैं कि यार ये जोड़ा लड़ रहा है, ये खेल रहे हैं आपस में, सामने आप देख रहे हैं, लड़ाई नहीं होती, इनकी लड़ाई ये होती है कि ये एक दूसरे के बाल नोच देते हैं, इसे फिदर प्लकिंग कहते हैं, और ज़्यादा नोचते हैं, तो आप उस पेयर को अलग कर दें और सेपरेट केज में लगा दें, ताकि वो पेयर दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इन पे आप अमल करके बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं अपने डब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।